कब की वारदात हुई है, ये चोरी हुई है आपकी दुकान में? ये मैम मैं कल शाम को जैसे ही 6:45 पे दुकान बंद करके गया तो उसके बाद सुबह आया तो देखा कि यहाँ से ये हिला हुआ था, तो हमने जाके ऊपर देखा तो ऊपर हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो नहीं थी, तो बस फिर देखा कि ये तो चोरी हो गया। नशेड़ी के काम है वहाँ पे, वो भी मिला है जो नशीले चीज से वो करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इंजेक्शन जो भी है वो लगाते हैं, उनके काम है। मैम ये बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे इंजरी में, वैसे पहले ही था इतना, तो वहाँ पे ब्लड भी पड़ा, ब्लड भी काफी पड़ा हुआ मिला। ईंट, एक ईंट मिली उसके सारे में ब्लड पड़ा हुआ मिला, उससे उन्होंने तार काटी, उनके पास कोई प्रोफेशनल नहीं थे, वो कोई औजार नहीं था ऐसा जिससे वो तार काट सके, उन्होंने उसी तार काटी, वो ईंट उस पर मार मार के उससे तार काटी। तो आपने पुलिस को कंप्लेन कराई इस बात? हाँ हाँ मैम, तो 9:30 बजे करीब कराई थी, अब तक कोई नहीं आया, और मैंने एक बार कॉल भी की उनको, वो कह रहे कि रामकरण को आपका केस दे दिया है और अब तक कोई नहीं आया। तो थाने से अभी तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कंबोल, जो है मेरी। तो सीसीटीवी कैमरे है, कोई फुटेज है आपके पास जिससे? हाँ जी हाँ जी, फुटेज है मैम, फुटेज में आ रहा तो साफ आ रहा है, वो लड़का कोई ज्यादा उम्र का भी नहीं है लड़का, मतलब यही होगा 18-20-22 साल के करीब उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे काम। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज दे रहा है या कोई साथ में है उसके? अकेला ही दिखाई दे रहा है, वो दो बार आया, वो इधर से पहले दूसरी साइड से निकल के चले गया, फिर दोबारा आया, दो बार आया उसने, फिर मोटरसाइकिल भी उसी टाइम की है, उससे थोड़ी बाद की, दो लड़के मोटरसाइकिल से गए, फिर वो शायद वो यूनिट बीच में रखी हुई थी मुझे, वो उसको उठा के फिर ले गए, बहुत स्पीड से ले गए मोटरसाइकिल वो भी। और एक बात और कि हमारा जो यहाँ पे पहरा देता है रात को, वो भी कल छुट्टी पे था, ये पता नहीं कि अचानक से वैसे ही छुट्टी में था या फिर कोई उनके भी कोई हाथ है इसमें। हाँ हो सकता है कि जैसे रात चोरी हुई है और चोरी की वारदात जो हुई है और कभी कहता है वो मेरा बुखार हो रहा था इसलिए था, कभी कुछ कहता है, कभी कह रहा है मैंने 2 चक्कर लगाए, मैं कभी इसमें तो कहीं भी नहीं आ रहा, तुम सीसीटीवी में तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम जो यहाँ पे पहरा देता है वो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज नहीं आ रहा, वो सारी चेक कर ली हमने, यही बुला रखा था सुबह, फिर वो कह रहा है मेरा बुखार हो रहा था जी, मैं घर पड़ा था, ये पड़ा था, मैं कल आ नहीं पाया, मैं चलो वो अलग बात आ नहीं पाए, पर तू ये क्यों कह रहा है कि दो बार आया? जो यहाँ पे पहरा देता है आपके यहाँ पे, उसका नाम क्या था? उसका नाम तो मेरे को याद नहीं, बाकी नंबर है मेरे पास उसका, बाकी नाम की मुझे जरूरत नहीं पड़ती उसके,
तो सुबह आपने जब वो बुलाया तो उससे पूछताछ की तो क्या बोल रहा था फिर? उसने कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं वैसे दो बार फिर भी आया हूँ आपकी शॉप पे। हमने अपने सीसीटीवी देखे, मगर देख कहाँ है तू, कहाँ है इसमें। फिर वो थोड़ा सा कुछ से कुछ बोलने लगा कि मैं, मेरा बुखार, घबरा गया, मेरा बुखार था जो भी, पर हम उस पर कोई शक नहीं कर रहे। वो मतलब ये एक मतलब वैसे ही बता रहे कि ऐसे ऐसे ये भी हुआ, एक कुछ भी हो सकता है मैम आज के टाइम में। हाँ ये तो।